तो बता दे यार। सुना था पर यकीन नहीं था कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और मुझे भी हुआ परियों से भी सुंदर लड़की से जो मेरे सामने है। जमाना ही ऐसा है कि लोग प्यार करने से डरते हैं, कहते हैं कि पहले एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे बंधन जोड़ना है या तोड़ना है। पर तुम्हें देखते ही लगा कि तुम ही वो हो जिसके साथ मैं बूढ़ा होना चाहूंगा। इरादा तो घर वालों की मर्जी से शादी करने का था, मगर अब उनके खिलाफ जाकर भी तुमसे शादी करनी पड़ी तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मेरे लिए मुझसे ज्यादा तुम्हारे जज्बात जरूरी है, इसलिए तुम जो फैसला करोगे मैं उसकी इज्जत करूंगा। अगर ना कहोगी तो जितनी जिंदगी है उसे काट ही लूंगा, और हाँ कहोगी तो जिंदगी संवार दूंगा। क्या बात है वासु, तूने तो चौका मार दिया। इसने तो अपनी फीलिंग्स नदी की तरह बहा दी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये तुमसे इतना प्यार करता है। हमारी दोस्ती से बड़ी दुनिया में और कोई चीज नहीं है। जिंदगी में हर चीज कैजुअली लेता हूं मैं, इसे सीरियसली ले लिया, और इसके बाद तुम्हें। हम दोनों एक एक्सीडेंट में मिले, दोनों को इत्तेफाक से म्यूजिक पसंद था। पता नहीं इस सफर में कब तुम पर दिल आ गया, मेरे लिए भी ये सब नया है माया। सोचा था इसके लौटते ही तुमसे मिलकर तुम्हें सब बता दूंगा, और देखो इसके सामने ही तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। सोचता था लड़कियों से प्यार करना, उन्हें प्रपोज करना, जीने मरने की कस्में खाना, ये सब टाइम वेस्ट है। पर जब से तुम्हें देखा है माया, जिंदगी भर टाइम वेस्ट कर सकता हूं। जब किसी से प्यार करते हैं तो दिन रात उसकी बातें करते हैं, पर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं माया कि बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। आई एम इन लव विद यू। हां कहो या ना कहो, मेरा फ्यूचर जो भी हो, यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। माया, तुम्हें इसी वक्त जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। टेक योर ओन टाइम, जब तुम्हारा मन करे तब कहना। हम इस टॉपिक पर तभी बात करेंगे जब तुम करना चाहोगी, उससे पहले नहीं। क्या बात है वासु, आज तो फॉर्म में लग रहा है। बस यार तेरी घर से स्क्रिप्ट रट क्या है? अरे जो बोला दिल से बोला। मुझे बोल देता मैं भी तैयारी करके आता। अरे क्या यार, बिल्कुल मैं याद करके कौन आता है यार? झूठे। सच बोल रहा हूं। मगर दोनों ने एक साथ क्यों प्रपोज किया? जब सडनली उन्होंने प्रपोज किया तो मैं कुछ समझ नहीं पाई, मगर बाद में मुझे लगा इसमें गलत क्या है। जब उन्हें लगा इस बात से उनकी दोस्ती में दरार पड़ सकती है, तो अपने ईगो को साइड में रखकर उन्होंने जेन्युइनली अपने दिल की बात कही। जो रिस्पेक्ट वो दोनों अपनी फ्रेंडशिप को देते हैं, सच कहूं तो वही रिस्पेक्ट मैं उनके प्यार को देना चाहती हूं। उषा, प्यार करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर प्यार को समझने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। इन चीजों में तो दोनों भी बेस्ट हैं। ये बताओ तुम किससे प्यार करती हो? यही तो समझने की कोशिश कर रही हूं। होने वाली बहू के लिए मां ने दिया। क्या बात है माया? तुम तो मेरे डैडी को जानते ही हो ना वासु, 2 दिन में कॉन्सर्ट है। जब तक उन्हें पता नहीं था कि मैं म्यूजिक ग्रुप में हूँ तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मगर अब कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस में उन्हें डेफिनेटली पता चल जाएगा। वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये सोचकर टेंशन हो रही है। इस टेंशन में मैं ठीक से गा भी नहीं पाऊंगी। ये मेरे सपनों को पूरा करने की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरी सिचुएशन उस इंसान की तरह है जो रेस में फिनिश लाइन के सामने आकर रुक जाता है। एक मिनट, हेलो अंकल, अंकल वासु बोल रहा हूँ। हाँ वासु बोलो। अंकल आज आपकी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई है जो शायद उसने आपसे भी कभी नहीं कही। तो वासु ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुर और ताल उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, वो गाना चाहती है अंकल। तो उसे मना किसने किया है बेटा?
हाँ पर कभी इजाजत भी तो नहीं दी, उसे आपका साथ चाहिए अंकल। दो दिन बाद ही उसका कॉन्सर्ट होने वाला है। ठीक है जरा माया को फोन दो। तुम्हारे डैडी हैं। बात करो। हेलो डैडी। देखो बेटा अगर वासु कह रहा है तो सोच समझ कर ही कह रहा होगा। आई थिंक ही इज राइट। तुम्हें पता है मुझे सिर्फ क्रिकेट का शौक है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं सारे काम छोड़कर बस टीवी के आगे बैठ जाता हूँ। तुम्हें गाना गाना पसंद है और मुझे क्रिकेट, तो जो पसंद है वही करो। जाओ और अपनी आवाज दुनिया को सुनाओ। थैंक्स डैड। बेस्ट ऑफ लक। आज के बाद तुम्हारी मंजिल के बीच कोई रुकावट नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट। कॉन्सर्ट में मिलते हैं। बाय। मैं अभी को पसंद करती हूँ। जो पल मैंने उसके साथ गुजारे हैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो बहुत स्पेशल है क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन जरूर होती है, मगर अभी के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इट्स प्योर। अब इस एहसास को मैं प्यार का नाम दूं या शादी के बारे में सोचूं पता नहीं। इस फीलिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जब भी मैं अभी के साथ थी मुझे कभी नहीं लगा जो हमारे बीच था वो प्यार है, और शादी इट्स टोटली डिफरेंट। केयरिंग, सिंसियर, परिवार को खुश रखना, ये सारी चीजें मैंने तुम में देखी हैं। मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है और आज तुमसे कहने आई हूँ वासु। यू आर माई राइट चॉइस। हम जल्द ही अपने पेरेंट्स से बात करके शादी कर लेंगे। यकीन नहीं होता माया ने मुझे हाँ बोल दिया। माया मेरी होने वाली है। यस। जल्दी से जाके ये बात अभी को बताता हूँ, वो सुनेगा तो पागल हो जाएगा। माया आई लव यू। माया क्या बात है बे? क्या हुआ? माया ने हाँ कह दी। मुझे उम्मीद नहीं थी यार, कह रही थी घर वालों से बात भी करेगी। वो मान गई यार, मेरी तो लाइफ बन गई। थोपड़ा देखो इसका, बल्ब की तरह चमक रहा है। कमीने। मैं भी खुश हूँ। लड़की मिल गई तो दोस्त को भूलना मत। क्या यार। हिप हिप हुर्रे। माफ करना भाइयों, जाना होगा, पार्टी फिर कभी करेंगे। ए वासु, भाई, थाम भाई। ए रुक भाई, तो के साथ था, बोलो ना। हाँ जाऊंगा। ये तो गया। ऐसा ही लड़ाई है, उसके लिए पार्टी रखी और खुद ही चला गया। चुप कर। इसमें गलत क्या बोला? हाँ चल सकते। हाँ क्या कह रही थी? हाँ कहाँ चल? कह रही उसने तेरा फोन नहीं उठाया। चल चलते हैं, वो आ जाए। सनको इसे बदल जाते हैं रे।